हेलो स्टूडेंट, अपना यूनिट चल रहा था थर्ड पेपर का, फर्स्ट यूनिट जिसके अंदर अपन सेरिकल्चर पढ़ रहे थे, जिसका अपने इतिहास और सेरिकल्चर उत्पादन और उसकी सामान्य जानकारी के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था। तो आज का अपना टॉपिक है एप्लीकेशन एंड स्कोप ऑफ सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का क्या क्या उपयोग रहता है उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। सिल्क ऑब्जर्व अबाउट 11% मॉइस्चर, मतलब सिर्फ के जो अवशोषित करता है करीब करीब 11% मॉइस्चर को, यानी कि आर्द्रता को। देयर फॉर दिस ऑब्जर्वेंसी मेक्स इट कम्फर्टेबल, तो इसकी वजह से ये अपने सुविधाजनक रहता है पहनने के लिए गर्मियों में भी और जबकि सर्दियों में भी। तो इसलिए इसको एक अच्छा एक कपड़े के रूप में या सिल्क को कपड़े के कपड़ा बनाने के अंदर उपयोग किया जाता है, और उस कपड़े को आसान रहता है अपन को दोनों मौसम में, यानी कि सर्दियों में भी और गर्मियों में पहनने के लिए। तो इट्स लो कंडक्टिविटी, इसकी कमी कम सुचालकता की वजह से ये वार्म एयर क्लोज टू द स्किन ड्यूरिंग कोल्ड, कोल्ड के समय भी अपन इसको आराम से पहन सकते। देयर फॉर इट इज ऑफ्टन यूज फॉर क्लोथिंग सच एज शर्ट्स टाइज स्किन ड्यूरिंग कोल्ड। देयर फॉर इट्स ऑफ्टन यूज फॉर क्लोथिंग सच एज शर्ट, शर्ट्स बनाने के लिए, टाइज के लिए, ब्लाउजेस के लिए, सामान्य जो फॉर्मल ड्रेसेस उसके लिए, हाई फेंसर जितने भी क्लोथ होते हैं उसके लिए, पाजामेस के लिए, रोब्स मतलब पोशाकों के, सूट्स के लिए, सन ड्रेसेस के लिए, ईस्टर्न जो फोक लोक जो क्या कहते हैं पूर्वी जो लोक उनके कॉस्ट्यूम्स होते हैं फोक्स उनके लिए। तो ये इस प्रकार के जो सिल्क है वो इस प्रकार के कपड़ों में इसका उपयोग किया जा सकता है, और ये दोनों मौसम में इस पर इससे इससे बने हुए कपड़े अपन आसानी से पहन सकते हैं, क्योंकि ये कम चालकता सूक्ष्म पाइप पाई जाती है और कम से कम मॉइस्चर को भी अब्जॉर्ब करती है। तो ये इसलिए इससे बने हुए कपड़े अच्छे रहते हैं पहनने के लिए। सिल्क अट्रैक्टिव लस्टर ये आकर्षित भी करता है, क्योंकि दिखने में इसका जो इससे बना हुआ जो कपड़ा है वो अच्छा दिखता है, शाइनिंग अच्छी रहती है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, ठीक है ना, आसानी से ब्रेकेबल नहीं है, टूटता नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इट इज़ ए यूज फॉर द वॉल कवरिंग, वॉल को कवर किया जा सकता है, विंडो ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसके पर्दे लगाए जा सकते हैं, कंबल बनाए जा सकती है, बेडिंग्स बनाए जाते हैं, वॉल हैंगिंग जो कपड़ा लगाया जाता है वो भी इस सिल्क से बनाया जाता है। सिल्क हैड मनी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजेस, इसके औद्योगिक और व्यापारिक बहुत सारे उपयोग हैं, सच एज ए पैरासूट्स के रूप में, पैरासूट कोड्स के रूप में, टायर जो रेसिंग कार्स होती हैं उसके टायर्स के अंदर भी ये रेसे के धागे उपयोग में लिए जाते हैं, इंसुलेशन कोयलिंग ऑफ टेलीफोन्स के जो वायर्स होते हैं उसमें भी ये काम आते हैं, एंड आर्टिलरी गन पाउडर में भी काम, गन पाउडर के बैग्स होते हैं उसमें काम आते हैं, वायरलेस जो रिसीवर्स होते हैं उसमें काम आते हैं, चक्की के जो छलनियाँ होती है उसमें भी इस सिल्क को उपयोग किया जाता है, नॉन ऑब्जर्वेबल सर्जिकल जो थ्रेड्स होते हैं, सर्जिकल धागे होते हैं वो भी इसके रेशम के बने हुए होते हैं। सिल्क अंडर क्लोथिंग इज यूज फॉर द चिल्ड्रंस, जो अंडर क्लोथिंग्स होते हैं अंडरवियर उसमें भी ये जो इनर वियर्स होते हैं जितने तरह वो भी उनके ऊपर उनके अंदर भी उन कपड़ों के अंदर भी सिल्क का इस रेशम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक्जिमा नहीं पैदा करते हैं जिसकी वजह से मतलब इचिंग नहीं होती है, कैन सिग्निफिकेंटली रेड्यूस इच इच को कम करते हैं, चुभते नहीं हैं मतलब शरीर को। इस प्रकार के कपड़े ज़्यादातर सिल्क से बनते हैं और ये अच्छे लगते हैं, लस्टर होता है, शाइनिंग होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसलिए ज़्यादातर जो कपड़े होते हैं वो सिल्क के बने हुए होते हैं और वही कपड़े ज़्यादातर लोगों के द्वारा या पब्लिक के द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। न्यू यूजेस एंड मैन्युफैक्चर टेक्निक्स हैव बीन फाउंड फॉर द सिल्क, और अलग अलग इसके उपयोग और अलग अलग तकनीकी की वजह से इट बीन फाउंड सिल्क फॉर मेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम द डिस्पोजल कप्स, और कप्स और होलोग्राम्स के रूप जो बन रहे हैं वो भी ज़्यादातर आजकल इस सिल्क के बनने लग गए। तो ये ज़्यादातर ऐसे वस्तुएं हैं या ऐसे क्लोथ्स हैं जो कि सिल्क से बनते हैं और जिसका उपयोग किया जाता है, और ज़्यादातर लोगों के द्वारा भी इस प्रकार के जो सिल्क के बने हुए कपड़ों का उपयोग किया जाता है और उसकी मांग भी ज़्यादा रहती है। और जो आगे चल के जो सिल्क का स्कोप, सिल्क का इंडस्ट्री के अंदर ये कुटीर उद्योग है ये भी है, और एग्रीकल्चर आधारित है मतलब कृषि आधारित कुटीर उद्योग है, तो इसका स्कोप क्या है,
मतलब इसका काम क्या है, हो सकता है ये कितना कामयाब है, और सेरिकल्चर का यदि लोग नॉलेज रखते हैं तो उनको क्या फ़ायदा है, तो वो व्हाट इज़ द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो यदि आप सेरिकल्चरिस्ट बनना चाहते हो, उस इंडस्ट्री को ग्रोथ करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो उसको, तो उसको आपको सेरिकल्चरिस्ट बनना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वन ऑफ द ऑप्शन इज़ फर्स्ट यू बैचलर डिग्री, एक है कि आप उसकी स्नातक करिए जस्ट 12वीं के बाद। दिस वन नीड्स हैव बैकग्राउंड ऑफ साइंस, साइंस विज्ञान मतलब 11th 12th में उसकी में साइंस विज्ञान होनी चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिग्री, दो प्रकार की डिग्री हो सकती है, या तो BSc सेरिकल्चर, ये BSc इन सेरिकल्चर, या BSc इन सिल्क टेक्नोलॉजी सेरिकल्चर, दो प्रकार के। आप 11th 12th आपके साइंस की, उसके पश्चात ये डिग्री कर सकते हो। टू परस्यू ए मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री करने के लिए आपको यदि सेरिकल्चर से मास्टर डिग्री करनी होती करनी हो तो इन दोनों में से एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या तो एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए या फिर सेरिकल्चर की डिग्री होनी चाहिए। देयर इज ए आल्सो इमेंस स्कोप फॉर रिसर्च, रिसर्च में भी बहुत बड़ा है इसका स्कोप है, डेवलपमेंट इन दिस फील्ड, इस प्रकार के क्षेत्र के विकास के लिए रिसर्च में भी आपका महत्व है। वेयर वन कैन ऑब्टेन PhD डिग्री कर सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट भी कर सकते हैं, जो डिग्री करने के बाद और इसकी मास्टर डिग्री करने के बाद। व्हाट इज़ द स्कोप बींग ए सेरिकल्चर, यदि वो ये डिग्रियाँ करने के बाद उसका आगे चल के क्या महत्व रह जाता है, महत्व रहता है। तो सिंस एग्रीकल्चर इज ए बेसिक नीड्स फॉर ह्यूमन, सबको पता है कि जो कृषि है वो हर एक व्यक्ति के लिए या हर एक जीव के लिए जरूरी है, क्योंकि जो जीवन है वो सारा उसके ऊपर निर्भर है, खेती के ऊपर निर्भर है, कि जो भोज्य पदार्थ है सारा उससे मिलता है। तो देयर इज ए ऑलवेज ए लॉट ऑफ स्कोप इन दिस फील्ड्स आल्सो, तो इस फील्ड में भी बहुत सारा स्कोप है। विथ एडवेंटेज एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट दैट कम विथ इट, इसके साथ साथ इसकी तकनीकी बढ़ गई और इसका विकास भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। देयर हैज़ बीन ए वाइड वेराइटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। व्हाट आर द कैरियर्स ऑप्शन इन सेरिकल्चर, सेरिकल्चर के अंदर आप क्या क्या कैरियर बना सकते हैं, तो सेरिकल्चर में ऑफर्स कैरियर अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर से जितने भी सरकारी जो शोध संस्थाएं हैं या शोध उनके अंदर भी है। सिल्क बोर्ड्स हैं जो इसके बोर्ड्स बने हुए हैं रेशम के, वहाँ पर एकेडमिक फील्ड्स में भी जाके आप पढ़ा सकते हो, जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पर, ठीक है। सेरिकल्चर से यूनिट्स होते हैं जो इसके रेशम कीट पालन के इकाइयाँ बनी होती है वहाँ। एग्रीकल्चर जितना भी सेक्टर्स हैं, बैंक है जहाँ पर इस प्रकार के जो कृषक हैं इस प्रकार का कल्चर जो करते हैं वहाँ पर, उनको लोनिंग प्रदान करना या उनको गाइडेंस देना बैंक के थ्रू, तो वो बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं। वन कैन गेट जॉब इन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय जितनी भी सरकारी जो एजेंसियाँ हैं उसमें काम कर सकते हैं, उसमें आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। सेंट्रल सिल्क बोर्ड्स हैं, ठीक है ना, केंद्रीय जितने भी रेशम बोर्ड है वहाँ पर, सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वहाँ पर, FAU है जिसको बोलते हैं, नाबार्ड है, कृषि विज्ञान केंद्र है, इसमें आपको ये डिग्री प्राप्त करने के बाद या जितना भी सेरिकल्चर का नॉलेज प्राप्त करने के बाद इन इन क्षेत्रों में आप अपनी सरकारी जॉब्स प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो भी इसकी तकनीकी और इसके विकास का जानकारी लोगों में फैला सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। कैंडिडेट्स विथ MSc सेरिकल्चर कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर, यदि उन्होंने MSc सेरिकल्चर में कर रखी है तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर ये कोर्सेज चलते हैं एग्रीकल्चर के, या कॉलेजेस है या ऐसे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाके वो रिसर्च में या लेक्चर्स में या प्रोफेसर में या लैब असिस्टेंट के रूप में, प्रयोगशाला सहायक के रूप में या सेरिकल्चर्स के रूप में वहाँ पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, ऑफिसर्स के रूप में, मैनेजर के रूप में। एग्रीकल्चर जितने भी जो बैंक है जो कृषक या एग्रीकल्चर आधारित तो लोन देते हैं वहाँ पर नेशनल लेवल्स पे, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर या पर प्राइवेट बैंक्स में, तो वहाँ ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं MSc किए हुए वो रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। कंसल्टेंट के रूप में भी आप कर सकते हो। इन डेप्थ एंड एडेप्टेड नॉलेज इन द फील्ड आर आल्सो इन डिमांड, जो इस प्रकार का नॉलेज रखता है वो उसका भी एक बहुत बड़ी मांग है, ठीक है ना, स्पेशल टू प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द सेटिंग अप ऑफ सेरिकल्चर फॉर्म्स। यदि आपको क्या कहते हैं रेशम कीट पालन आधारित
खेत विकसित करना हो तो उन कृषकों को आप जाके अपना ये गाइडेंस दे सकते हो कि भाई ऐसा सेरिकल्चर आप कीजिए, ठीक है ना, इस प्रकार का आप प्लांट लगाइए, ठीक है ना, इस प्रकार का आप कल्टीवेशन कीजिए जिससे कि ये सेरिकल्चर डेवलपमेंट हो सके, रेशम कीट का पालन हो सके और रेशम का उत्पादन हो सके। थैंक यू। आज का ये आपके टॉपिक था जिसके अंदर सेरिकल्चर, जो सेरिकल्चर की जानकारी रखता है उसके लिए क्या उपयोग है और जो सिल्क है उसका क्या उपयोग है और इसका सेरिकल्चरिस्ट जिसने जो MSc या डिग्री किए हुए कैंडिडेट्स व्यक्ति जो आगे चल के क्या रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, इंस्टीट्यूट्स में। थैंक यू।